जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद कर आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयारी कर चुके होंगे अपने फिजिकल का, SSGD का। तो कल एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे वैरिकोस वेन के बारे में बताइए, वैरिकोस वेन के बारे में वीडियो बनाइए। तो मैंने उनको कहा था कि रात तक आपको वीडियो अपलोड करके दे दूँगा, क्योंकि उनका 23 तारीख को ही है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो नहीं दे पाया, ठीक है। तो अभी फिर उन्होंने कमेंट किया तो मैंने सोचा कि लाइव में बता देता हूँ कि लाइव कैसे वेरिकोस वेन का चेक होता है, हम लोग का कैसे हुआ था, और नॉकनी वगैरह मैं सारा आप लोग को, मतलब लोअर पार्ट का मैं पूरा आप लोग को आज बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे। जिनका बाद में भी है वो लोग जो है नॉकनी वगैरह भी थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, और जिनका कल से स्टार्ट है उनको भी काफ़ी ज़्यादा मेंटली सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं फिर से आप लोग माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने लोअर बॉडी के बारे में दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई किया था। मतलब मेडिकल में तो देखिए जो मेरा पार्ट था उसका एक पार्ट की वजह से मैं मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया, जो मेरा कमर का प्रॉब्लम था। तो बाकी जो पैर का है कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसमें मैं पास हो गया था मेडिकल में। तो सारी जानकारी आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये नीचे का पार्ट मेरा आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सही से खड़े होकर, जिस तरह से वहाँ पर खड़ा कराया जाता है। तो इस तरह से आपका घुटना भी चेक कर लिया जाता है, आप देख सकते हैं मेरे घुटने में गैप है, और ये जो स्ट्रक्चर है मेरा थोड़ा एबनॉर्मल है। मतलब नौकनी का काफ़ी डाउट था मुझे भी कि मैं मतलब मेडिकल में पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा मेडिकल में, नौकनी में। तो नौकनी में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, वेरिकोस वेन्स में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से ना सोचें। थोड़ा सा भी अगर गैप बन रहा है खींच के आप लोग के पैर पर, तो नौकनी में पास हो जाएंगे। और मेरा जो डॉक्टर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट डॉक्टर थे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने चेक किया पीछे से। अब बात करते हैं कि वेरिकोस वेन कैसे चेक किया, सामने से तो देख ही लेते हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को नीचे करके, ये आप लोग देखिए मेरा जो पैर आपको दिख रहा होगा, ये आपको नस दिख रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को जंप भी कराया जाता है, आप यहाँ पे नस दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं सामने से फ़ोटो में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह के नस देखने से मैंने मतलब मेडिकल से पहले भी काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि तुमको तो वेरिकोस वेन है, वो लोग मतलब जानते कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत सारे आपको भी मिलेंगे ऐसे लड़के, या सीनियर हो जूनियर हो जो भी हो, उनको लगेगा कि ये वेरिकोस वेन है, जो आप लोग का वेन्स दिख रहा है, आर्टरीज दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरिकोस वेन्स नहीं है, वेन्स आपका दिख सकता है अगर मसल कम है, ठीक है, तो आपके वेन्स दिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेरिकोस वेन है। वेरिकोस वेन में क्या होता है, नस बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह घिच बिच नस हो जाएगा और साफ आपको दिखेगा कि हाँ वो वेरिकोस वेन ही है। लेकिन आप देख सकते हैं ये मेरा जो नस है, ये देख सकते हैं पीछे से उन्होंने चेक किया था, और हाथ ऊपर करके जंप करवाया जाता है, इस तरह से जंप करवाया जाता है कुछ देर तक, 15-20 सेकेंड तक बोलता है जंप करते रहो, और उसी में वो लोग देख लेते हैं कि वेरिकोस वेन अगर होता है तो पता चल जाएगा आपके नस जो है बहुत फूल के निकलेंगे और जिग जैग दिखेंगे आपको, इस तरह का स्ट्रेट थोड़ा तिरछा, ये तो नॉर्मल है, ये तो रहेगा ही, सारे नस ऐसे थोड़ी ना रहेंगे, ठीक है। सारे वेन्स ऐसे तो नहीं रहेंगे, ऐसे इधर उधर जा सकते हैं वेन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वेरिकोस वेन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तिरछा है, लेकिन ऐसा वेरिकोस वेन नहीं होता है। वेरिकोस वेन क्या होता है, जिग जैग इस तरह का आपको दिखेगा, मेनली इस पार्ट पर दिखेगा, इस पार्ट पर, उसको वेरिकोस वेन कहते हैं। आपके दूसरे पार्ट में भी हो सकता है बॉडी का, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेक कर लिया जाएगा, इस तरह से आपको जम करवा के चेक कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे, आप देख सकते हैं वेन्स, ये जो नस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिकोस वेन है, ये आप लोगों को नस दिख रहा होगा बहुत सारा। और वो इस तरह से पीछे करके खड़ा करते हैं, और पीछे से इस तरह से देख लेते हैं जंप करवा कर, इस तरह से मार के भी कभी कभी देखते हैं, ठीक है, टॉर्च मार के वो देख लेते हैं अच्छे से कि वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है या नहीं है। आप देख सकते हैं आपको मेरे नस दिख रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिकोस वेन है, ठीक है, ये नॉर्मल है। आपको यहाँ पर भी नस दिख रहा होगा मेरा। तो मुझे भी काफ़ी मेडिकल से पहले लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारा तो वेरिकोस वेन है, तुम्हें वेरिकोस वेन में छाट दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा था कि तुम्हारा तो वेरिकोस वेन है, तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो वेरिकोस वेन नौकनी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नौकनी का प्रॉब्लम अगर आप लोगों को अभी भी है और कुछ टाइम आपके पास है, 1 हफ्ता 15 दिन, तो उन एक्सरसाइज को जाके कीजिए, मैंने जो वीडियो में बताया था वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और वेरिकोस वेन के आप लोगों को डाउट नहीं रहना है, वेरिकोस वेन आपको साफ दिख जाएगा कि हाँ इसका वेरिकोस वेन है, उसमें नस एकदम जिग जैग नदी की तरह रहता है, जिस तरह नदी का पैटर्न होता है ना, पूरा जिग जैग, ठीक है, मोटा और भी ज़्यादा मोटा दिखेगा आपको। इस तरह जो मैंने आप लोगों को नस दिखाया अपना, ये वेरिकोस वेन की पहचान नहीं है, उसके सिम्टम नहीं है, तो आप लोग पहले से डिसाइड ना कीजिए। और जिनको पहले से वेरिकोस वेन था उसको तो डाउट मतलब रहेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा देख कर ही मुझे वेरिकोस वेन था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवा लिया होगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि वेरिकोस वेन के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका चेक कर लिया जाता है पीछे से और आगे से, और खुद का कि आपको जम करवा के भी दिखाया जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी डाउट और भी हो तो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोग जल्द से जल्द बना दूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।